जय मसीह। बहुत सारे मसीहों के अंदर में एक ऐसा डर होता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो या उनके प्रोफेशनल कैरियर में हो। हर एक क्षेत्र में ये डर जो है उन्हें असर करता है, और वो डर है लोगों के सोच का डर। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे चर्च वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी डर के कारण वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। देखिए, इस डर का दो पहलू है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ये हो सकता है कि ये डर अगर आपको कोई बुरा या कोई गलत करने से रोकता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने टेस्टिमनी को फिकर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका विपरीत, जो सही है, जो उत्तम है आपके आत्मिक जीवन, आपके कैरियर में बढ़ोतरी के लिए, और आप फिर भी नहीं कर रहे, आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ये डर। जो वचन कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25 में, लोगों के सोच का डर फंदा है। जी हाँ, ये एक ट्रैप है। इसे हम जितने जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ट्रैप जो है आपको फंसा के रखता है, रोक देता है, आपको डिसेबल कर देता है, आपको पैरालाइज बना देता है। जी हाँ, इसी डर के कारण बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने क्षमता के अनुसार, अपने काबिलियत, अपने योग्यता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते, अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को अनलीश नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज दे फियर्स अदर्स ओपिनियन, कि वो कैसे देखेंगे इस चीज को, और वो रुक के रह जाते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं, क्योंकि फंदा है, फंसा के रख दिया। देखिए, नेचुरली एक इंसान सोचता है कि उन्हें लोग पसंद करें ताकि वो उस झुंड में, उस मंडली में रहे, और उन्हें खुश करने की भी कोशिश करता है। देखिए, ये गलत नहीं है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर यही डर के कारण आप वो चीजें नहीं करते, वो चीजें नहीं बोलते जो आपको बोलना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, तो ये ज्यादा है, यानी कि आपका जो ये कंसर्न जो है डर में बदल के बैठा हुआ है। तो इसीलिए इससे आजाद होने के लिए आपको ये तीन स्टेप फॉलो करने। नंबर वन, नो हु यू आर। आप अपने पहचान को जानिए। आपका पहचान बनता है आपका बिलीफ सिस्टम से, यानी कि जिन बातों को आप विश्वास करते हैं। बिलीफ सिस्टम से ही आपका वैल्यू सिस्टम बनता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसको आप देखते हैं, और उसी से आपका बिहेवियर कैरेक्टर फॉर्म होता है। वचन कहता है आप परमेश्वर के संतान हैं। कैसे आप परमेश्वर के संतान हो गए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उनको व्यक्तिगत मालिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा, उनको जीवन समर्पित करने के द्वारा आप परमेश्वर के संतान हो गए। और फिर वचन कहता है यू आर चोजन, यू आर प्रीशियस पोजेशन ऑफ गॉड। यहां में जो आपका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो गया, और आपका ये जो बिहेवियर यानी कि एक्शन जब मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये अलाइन नहीं होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड इनकॉन्ग्रेंस, यानी कि अलाइन नहीं हो रहा। आप कहते हो आप ये हो लेकिन करते हो कुछ और हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सोच से डरते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो, आप कंफर्म हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यू डोंट वांट टू बी डिफरेंट। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है एक पेड़ का पहचान उसका फल है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो फल यानी कि उसका एक्शन, तो एक्शन से पहचाना जाता है, तो आपका आइडेंटिटी के हिसाब से ही आपका एक्शन भी होना है। सो दिस सेटल्स द केस, यानी कि आप अपने आप को जो कहते हो वो आपको करना है, आपके बारे में क्या लोग कहेंगे क्या सोचेंगे ये इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वही करना है जो आपका आइडेंटिटी बताता है, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम बताता है कि आप कौन हो और आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, सीक गॉड्स अप्रूवल फर्स्ट। अपोस्टल पॉल गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10 में कहते हैं, यदि मैं लोगों का अप्रूवल को ढूंढूं, लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करूं, तो मैं प्रभु का दास नहीं। इंप्लाइड मीनिंग क्या है? मैं लोगों का दास हूं। आप सबसे पहले परमेश्वर का अप्रूवल को ढूंढें, परमेश्वर का अप्रूवल
से मतलब है उनके इच्छाओं पर चले आप, उसे खुश करने की कोशिश करें, ना कि इंसानों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट इग्नोर कर दें, यूज योर विजडम, लेकिन सबसे पहले तो आपको ईश्वर का इच्छा को ढूंढना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तो ईश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार आप करें। जैसे मैं एक बाइबल टीचर और प्रचारक हूँ, मैं अगर शुगर कोटिंग प्रीचिंग करने लगू ताकि लोग खुश हो, लोग प्रसन्न हो, मैं वो बातें नहीं बताता जो वचन कहता है, मैं करेक्शन, रिब्यूकिंग, इन सभी वचनों को कभी प्रचार नहीं करता, सिर्फ लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि मैं लोगों का अप्रूवल ढूंढ रहा हूँ, ना कि ईश्वर का इच्छा को, और इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। और तीन नंबर में, आपका ट्राइब को आप केयरफुली चुने। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम सभी क्यों लोगों का अप्रूवल ढूंढते हैं, क्योंकि वी वांट टू बी इन सम ग्रुप, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सारे हो। इसको आपको केयरफुली क्यों चुनने के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनका बिलीफ सिस्टम, जिनका वैल्यू सिस्टम आपके साथ में मैच होता है, उन्हीं के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, और उन्हीं का अप्रूवल, चाहे वो डिसअप्रूवल, मैटर करना चाहिए। और बाकियों का, जिनके साथ में आपका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता, जिनके साथ में आपका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करता, उनके ओपिनियन से आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके ग्रुप में। आप ये याद रखिए, आप किसी का एडवाइस या सजेशन नहीं लेते तो उसका क्रिटिसिज्म से भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आखिर में ये याद रखे कि जब ये पृथ्वी का सफर खत्म हो जाएगा, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता जितना कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ईश्वर का मूल्यांकन, यानी कि उनका फाइनल असेसमेंट आपके बारे में जो है, इट रियली मैटर्स। इसीलिए उस सोच को रखकर आप इस जीवन को जिए, और इस डर से आप बाहर निकले कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट दिस मिनिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।